हेलो तानिया, कैसी हो बेटा? कितने दिन हो गए तुमने चक्कर नहीं लगाया। अच्छा, मुझसे भी नहीं मिलने आओगे? सिर्फ जावियार से ताल्लुक था तुम्हारा, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। आंटी आपको अंदाजा है कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। आप मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। दिल करता है कि बस कुछ कर लूँ अपने आप को। बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो रहा, तुम्हारे साथ ही तो मेरी केमिस्ट्री है। तुम मेरी बात समझती हो? मैं तुम्हारी बात तुमसे बात करके मैं दिल का बोझ हल्का कर लेती। जब भी मुझे कोई तकलीफ होती थी, कोई परेशानी होती थी, तो मैं आपके पास ही आती थी और आपके गले लग के रोती थी। इस वक्त मेरा दिल कह रहा है कि मैं आपके पास हूँ और आपके गले लग के खूब रोऊं। हमको तो मेरा दुख दुख ही नहीं लगता। मेरी जान मैं हूं ना तुम्हारे लिए, क्यों परेशान होती हो? और जावियार कोई दुनिया का आखिरी शख्स नहीं है जिसके पीछे तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। और यूं भी ये शादी ज्यादा अरसा नहीं चलेगी। वो क्या समझती है? एक मिडिल क्लास लड़की हमारे साथ कैसे एडजस्ट हो गई? कैन यू इमेजिन? मेरे साथ मेरे घर में कभी भी नहीं। और तुम देखती जाओ, आई एम गोइंग टू फिक्स हर एंड शो हर हर प्लेस। सवाल ही पैदा नहीं होता। आई सी यू हियर, बाय। कहाँ जा रही हो? कैसी लग रही हूँ मैं? माशाल्लाह, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। मगर तुम जा कहाँ रही हो? निगे आंटी की तरफ। तुम्हारा दिमाग खराब है? वहां क्यों जा रही हो? वहां इसलिए जा रही हूँ ताकि वहां पे लोगों को दिखा सकूं कि जावियार के रिजेक्शन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चलेंगे? तानिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने खुद को इतनी जल्दी संभाल लिया। मैं उस इंसान की वजह से अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? गलती जावियार ने की है तो अंजाम के लिए भी उसे ही तैयार रहना होगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे खुशी हो रही है तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग देखकर। किसी ने सच ही कहा है कि आजमाइश इंसान को मजबूत और बहादुर बना देती है। आई शुड गो नाउ। आई मैम। क्या है, जल्दी बात करें, किचन में काम कर रही हूं मैं। यार दुनिया के हर काम के लिए टाइम है तुम्हारे पास, बस मेरे लिए टाइम नहीं है। और कितना टाइम दूं आपको? हर दो दो सेकंड के बाद आप कॉल कर रहे हैं, अच्छी बात थोड़ी ना है। अगर घर में सबको शक हो गया तो? तो होने दो शक। आप क्यों नहीं समझ रहे, भाभी पहली बात बातें बनाती है, ताने देती है, आपको नहीं पता वो तो बनाने दो उन्हें बातें। प्लीज प्लीज प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ना मुझे बहुत कम कॉल्स किया करें और मैसेज भी कम किया करें। क्यों? क्यों? अच्छा समझ गया, बल्कि तुम सही कह रही हो। ऐसा करता हूँ, मैं मैसेज भी नहीं करूंगा और फोन भी नहीं करूंगा। मैं अभी निकल रहा हूँ और तुम्हें मिलने के लिए आ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, वैसे भी ये तो भाई के आने का वक्त है, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं हम मिल सकते। कोई
कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे भाई से बात कर लेता हूँ, आई एम श्योर वो हमें मिलने की इजाजत दे देगा, फिर तो कोई मसला नहीं होगा ना। फिर ओके ग्रेट, मैं अभी बात करता हूँ उनसे, तुम्हें दो मिनट में फिर फोन करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बस तुम आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। देखा आपने मेरी तानिया कितनी जेनरस हार्टेड है, आपने इनवाइट किया और वो आ गई। इसकी तकलीफ मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, मेरा दिल कट के रह जाता। मेरी दुआ है कि तुम्हारी और जवेरिया की शादी जल्द से जल्द हो जाए और मैं। दादा, I'm so fed up of this word शादी। क्या आपकी नजर में दुनिया के सब अहम कामों को छोड़कर शादी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है? आप घर से निकले, लोगों को मिले जुले, तो आपको पता चले कि शादी के अलावा भी दुनिया में बहुत से काम है। दुनिया के बारे में जानने के लिए ना तुम और तुम्हारी माँ ही काफी हो, मुझे तो इस खुराफात से तुम दूर ही रखो। पता नहीं जावियार कहाँ रह गया। जमीला, एनीवे तानिया तुम आओ, आओ बैठो। जी बीजी, जरा पता करो, देखो कहाँ पर है वो जावियार, उसका मालूम करो। ने सिर्फ एक घंटे के लिए भेजा है, वो रिक्शे वाले ना इजाज भाई, उनके साथ आई हूँ। बड़ी मुश्किल से आई हूँ मैं। भाग के आई हो? आओ बैठते हैं, आराम से बात करते हैं। वैसे बाय द वे, मिलने के लिए ये जगह तुमने सेलेक्ट की थी? नहीं, भाभी ने। भाभी कहती है ज्यादातर लोग इधर ही आते हैं। अच्छा, ना प्यारी जगह है वैसे। यहाँ बैठे? नहीं नहीं वहाँ नहीं, आके चलते हैं। अच्छा क्यों, यहाँ क्या? पता नहीं आज सब घूर घूर के क्यों देख रहे हैं, बदतमीज एक नंबर के। तुम इतनी प्यारी जो वैसे बाय द वे मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? बूम, तुम छोड़ दो। नहीं, आर यू श्योर? यस। Oh my God! डर गई थी ना? डर गई थी। मैं और तुमसे डरूंगी? हाँ यार, actually तुम ठीक कह रही हो।
तुम तो किसी से नहीं डरती हो, इनफैक्ट तुम्हारा काम तो है लोगों को डराना। जावेद भाई को भी डराया ना तुमने, तभी तुम दोनों की शादी नहीं हुई है ना। नो प्लीज, जावेद मुझसे शादी नहीं कर रहा। आर यू सीरियस? मैं जावेद से शादी नहीं करना चाहती। ओह अच्छा। या और इनफैक्ट तुम कहते थे ना कि तुम और जावेद डिफरेंट हो। यू आर राइट, जावेद तुम काफी डिफरेंट हो, और अब जावेद मेरे टाइप का नहीं है। बोरिंग हो गया यार। वैसे सही कह रही हो, अब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ ना तो मुझे ख्याल आ रहा है मेरी आंखें खुल गई हैं। मतलब मैंने पहले कभी ऐसे सोचा क्यों नहीं यार, कहाँ तुम, तानिया, अहमद अली खान, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स, तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारा सोशल सर्कल, तुम्हारे ब्रांड्स, और कहाँ मेरा भाई जावियर, मासूम, भोला, सीधा, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर सकता हूँ। You're right. In fact, good to see you. Same here, यार। काश मैं भी ये बात तुमसे कह सकता। जुनेद। आह, मजाक कर रहे हो यार, मजाक कर रहे हो। अच्छा मुझे बताओ दादी का? दादो अंदर ही होंगे। तो आओ मेरे साथ, आओ उन्हें सरप्राइज देना है भाई। आओ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अरे यार तुम्हारे ना ब्रांड्स नहीं बदले आज तक। चलो ये जरा खामोशी वाली जगह है, यहाँ बैठे। अच्छा बताओ ना, मेरे सवाल का जवाब तो दो। कौन सा सवाल? यही कि मैं कैसा लगता हूँ तुम्हें? कितनी बार एक ही सवाल पूछेंगे? जब तक तुम जवाब नहीं दोगी। अभी तो दिया था आपको जवाब। सिर्फ हाँ कहना मेरे सवाल का जवाब नहीं था। अगर किसी से मोहब्बत हो तो इजहार करने में कोई हर्ज तो नहीं होता। इतनी जल्दी किसी से मोहब्बत हो जाती है? पहले मेरा भी यही सवाल था अपने आप से, कि शायद मोहब्बत बता के नहीं होती। अब देखो ना, तुम्हारे साथ इस जगह पे बैठा हूँ, ये मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या है? इसलिए मुझे याद आया, ये गिफ्ट लाया इस बार। ये तो रिंग है। हाँ, जो मैंने खुद पहनानी है तो मैं अपने हाथों से। आप लेकिन मुझे सबके सामने ये रिंग पहना चुके हैं। अरे वो तो एंगेजमेंट रिंग है, इसलिए मैं स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। अब इस बात पे भी कोई इतराज है तुम्हें? नहीं, लेकिन एक तो तुम शर्माती बहुत, और ऊपर से बहस भी बहुत करती हो। तो इतनी मुश्किल से मिले हैं, फिर तुम्हारी कंप्लेंट्स ही नहीं खत्म हो रही। अच्छा अच्छा, सॉरी। वैसे बाय द वे, सिर्फ सॉरी और थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। वो क्या? शादी तक हम रोज 2 घंटे बात करेंगे, और हम रोज मिलेंगे, ठीक है? अरे इधर आओ जमीला मेरे पास। जी बीजी। देखो आज ढोलकी के बाद जो है ना, कमरा बिल्कुल टिचन टाच चाहिए मुझे, जैसे जुनेद रखता है अपना कमरा। कल आ रहा है ना, खैर से वो पूरी सफाई, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाएं जी, हर चीज अपनी अपनी जगह पे फिट होगी इंशाल्लाह। बस ऐसा ही चाहिए मुझे, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा। कौन? जुनेद। हेलो, कैसे पहचाना आपने?
मेरा बच्चा, मेरी जान, दिल के टुकड़े। बड़ी सरप्राइज दी तुमने मुझे, है? लेकिन एक बात है, इस सरप्राइज से देखो कैसा घर रोशन हो गया, रौनक आ गई मेरे घर में। अच्छा, यानी आप ये कह रही हैं कि मेरे आने से आज शाम की ढोलकी में चार चांद लग जाएं? तो फिर मेरे बगैर ढोलकी प्लान क्यों की? प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हम तो ये सोच रहे हैं कि कल इंशाल्लाह ताला एक बड़ी सी ढोलकी रखेंगे। दादू, I missed you so much. I missed you too, मेरा बच्चा। बस अब आ गया हो ना, अब आपको छोड़ के। Oh my God, I can't believe it, Junaid. What a surprise. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, और तुम कितने छुपे रुस्तम हो, बोला था कल आ रहे हो। हाँ, मैंने सोचा सबको सरप्राइज देता हूँ, इसलिए आ गया। कैसे मेरे बच्चे? बिल्कुल ठीक। जुनैद भाई। अरे जैवी। I'm so happy to see you. आप कब आए? मैं अभी अभी। I missed you so much. I missed you too. कैसी हो? You're looking great यार। Really? Thank you. ये दूल्हे मियां कहाँ है? I think वो बाहर गया हुआ है। I guess उसकी कोई grooming appointment होगी ना। दूल्हा है भाई। जावियार भाई भी ना बिल्कुल नहीं बदले। अभी भी वही आदत है, सारा दिन घर से बाहर। अभी क्लास लेता हूँ। जैवी। हाँ। इजाज भाई, रिक्शे वाले इंतजार कर रहे होंगे, चलना चाहिए। हाँ चलो। हेलो जी, कौन? भाई जुनैद बात कर रहा हूँ, आपका छोटा भाई। अरे जुनैद, तुम हर दफा ही तुम इस तरह का सरप्राइज देते हो। कैसे हो, कब आए? अरे भाई, अब तो आदत सी हो गई है मुझे ऐसे सरप्राइजेस देने की। आप लोग तो सरप्राइज करते ही नहीं है। और तुम्हारे सिंगिंग का बूथ उतरा या नहीं? लो भाई, आते ही आपने भी ये सवाल जवाब शुरू कर दिया। जी नहीं, मेरा कोई भी बूथ नहीं उतरा, जैसे गया था वैसे ही वापस आया। आज भी उसी तरह गाता हूँ और बहुत अच्छा गाता हूँ। और सुने, आपकी शादी पर ना छोटा मोटा सा कॉन्सर्ट भी अरेंज कर लूंगा, जाएं फ्री में। लेकिन भाई बेफिक्र हो जाएं, आपका भाई आ गया है, पूरी धूम धाम से शोर शराबे के साथ आपकी बारात लेकर जाएंगे। अच्छा जी, अब जल्दी से ना भाभी से बात करें सर। तुम्हें कैसे पता है वो मेरे साथ है? भाई बहुत ही बड़े जासूस हो तुम, हर चीज की रिपोर्ट रखते हो। अरे मुझे सब पता है, आप भाभी के साथ हैं और कहाँ हैं ये भी पता है। अब और डिटेल्स दूं क्या? जल्दी से बात कराएं। अच्छा अच्छा, बात कराता हूँ। मेरा भाई है छोटा, जुनैद बात करना चाह रहा था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरे आपकी तो आवाज कमाल है भाई, जबरदस्त। भाई तो बहुत लकी है। अच्छा किया कि तुमने मुझे ये नोटिस भेजा है, क्योंकि सच तो ये है कि मैं तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। मोहब्बत तो मैं तुमसे करता हूँ। बाहर निकलो। आज मुझे पता चला कि मेरी बर्बादी की वजह और कोई नहीं, मेरी अपनी बहन थी। पीछे हटो तुम। मुझसे फिजा की हालत नहीं देखी जा रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबकी कसूरवार मैं हूँ। वो एक बेहिस इंसान है, अपनी फितरत के हाथों मजबूर होकर उसने ऐसा किया। तुम तालुक मैंने सिर्फ इसलिए खत्म किया कि तुमसे एक नया तालुक जोड़ सके। No, it's not possible. जो कह दिया बिल्कुल वैसा ही होगा। मैनेज करो इसे। सामिंग डैड। I mean, sorry. Hello. जुनैद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? डैड। I'm very well. आप कैसे हैं? ठीक। Looking really nice. बहुत बहुत fit लग रहे हैं आप। Really? Thank you. Dad, degree complete हो गई मेरी। Yeah. I know. तुम्हारी मॉम ने बताया था मुझे। Good. Busy हैं आप तो मैं बाद में आ जाता हूँ। बस ये
सिर्फ उससे भी ये कहने आया था कि मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कल डैड, जैसे यू नो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आएंगे। इट्स बीन 5 years आई वाज अवे। आपकी ख्वाहिश थी ना कि मैं ये इंजीनियरिंग अपनी बाहर से ही कंप्लीट करूं। तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने जाऊं, बट यू नो इतनी मीटिंग्स होती हैं और ऊपर से जावेद की शादी, तो मुझे मौका नहीं मिला। जी जी आई नो आप तो 24/7 मीटिंग्स में ही बिजी होते हैं, तो लेकिन आप खुश हैं ना डैड? हाँ खुश हूं, बट यू नो जो रहता मैं ज्यादा खुश कब होता? कब डैड? जब तुम अपनी डिग्री के साथ साथ अपने इस होलिये को भी तब्दील करके आते। ये क्या है, ये क्या पहन रखा है, क्या तुम हर वक्त रफ्ता फेंकते हो? ये फटी हुई चीज, ये बिखरे हुए बाल, और ये क्या है? व्हाट इज दिस? डैड लगता है आपकी खुशी तलाश करते करते मैं खुद गुम जाऊंगा। नहीं, घूमने की जरूरत नहीं है और ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। अपने भाई की तरफ देखो, जावेयर की तरफ देखो। वेल ग्रूम्ड, एक ऐसा बेटा जिसे देखकर बाप का सर फखर से बुलंद होता है, और तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम हमारी फैमिली के मेंबर ही नहीं हो। तुम्हें बाहर भेजा था कि तुम कुछ सीख के आओगे, बट तुम तो कुछ भी सीख के नहीं आए। जुनैद, सीखा तो बहुत कुछ था डैड, आपने कभी उसे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। और हां मेरा हुलिया ऐसा ही है, मैं खुश रहता हूं, इसे कंफर्टेबल रहता हूं। मेरे दिल में जो आता है। अरे दिल की बात नहीं सुनते, ये कमजोर लोगों की बातें हैं। दिल दिल ये कह रहा है, दिल वो कह रहा है। कामयाब आदमी यहां से नहीं यहां से सोचता है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो ना, तो दिल की बात मत सुनो, दिमाग की सुनो। मतलब आप चाहते हैं कि मैं भी बाकियों की तरह फेक हो जाऊं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम भी बाकियों की तरह कामयाब हो जाओ, अपने ब्रदर की तरह, अपने फादर की तरह। मैं बिल्कुल नहीं बदला डैड, लेकिन आप भी वैसे के वैसे ही। अरे मुझे बदलने की क्या जरूरत है, मैं एक कामयाब आदमी हूं। बदलने की जरूरत तुम्हें है। यू हैव टू प्रूव, नॉट मी। तुम क्या हो अभी तक? Nothing. डैड इन 5 सालों में आपको एक बार भी याद नहीं आया? मैं याद से याद आया जुनैद, वो तुमने अपना मरासियों वाला शौक अभी तक पाल रखा है या छोड़ दिया गिटार बिटार का? नहीं डैड, I've got another bad news for you. Unfortunately, मैंने अपना कोई शौक नहीं बदला। Thanks for your time. Ladies, 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 and gentlemen. सबसे पहले तो I welcome all of you. आज मेरे भाई की शादी की पहली ढोलकी है, ये! मैं जानता हूं मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना लग रहा हूं, लेकिन
शायद आप लोगों में से कुछ लोग मुझे नहीं जानते होंगे, मेरा नाम है जुनेद और मैं जावियार भाई का छोटा भाई हूँ और आज अपने भाई की पहली ढोलकी अटेंड करने के लिए खास तौर पे सबको सरप्राइज देने के लिए आया हूँ। तालियां। एक और बहुत बड़ा सरप्राइज जो मैं आज आप लोगों को देने जा रहा हूँ वो ये है कि मेरी प्यारी सी खूबसूरत सी हसीन सी दादो अपनी सुरीली सी आवाज में हम सबके लिए एक कमाल किस्म का गाना गाएंगे अपनी फ्रेंड अपनी बचपन की दोस्त के साथ। तालियां। क्या गए तुम्हें कोई याद है? बेइज्जती ना करवा दीजिएगा। नहीं, नहीं तुम्हें याद है शादी पे तुम्हारी क्या गाया था हमने? शादी पे या शादी से पहले जब मिलेंगे? टप्पे गा लेते हैं। टप्पे? हाँ टप्पे गा लेते हैं। याद होगा टप्पे? टप्पे क्या होते हैं? गाने होते हैं। ओके प्रेजेंटिंग टप्पाज। बेटा ढोलकी कोई बजाएगा? ढोलकी? हाँ ढोलकी कौन बजाएगा? अरे ढोलकी आपको बजानी आती है मुझे पता है। प्लीज प्लीज बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने, मैं ऐलान कर चुका हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन ढोलकी बजाएंगी हमारे घर की शान हमारे घर की जान मेरी अम्मी जान मॉम प्लीज। चलो रही चलो ढोलकी ये है ये लीजिए। थैंक्स। तालियां। तो अब जब मैंने सारी टीम असेंबल कर दी है तो मेरे हम नवाओं मुझे आपसे सिर्फ एक गुजारिश करनी है कि भरपूर साथ दीजिए मेरी दादो उनकी बेस्ट फ्रेंड और मॉम का। प्लीज तालियां बजाइए। तानिया तुम यहां बैठी हो और मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढ आई हूं। क्या बेटा तुम तो बहुत खुश खुश गई थी वहां, क्या हुआ कुछ हुआ है क्या वहां? खुश कहां थी मैं तो बस खुश होने की एक्टिंग कर रही थी। वहां कुछ हुआ क्या?
होना क्या है? जुनेद कल रात अचानक पहुंचा और उसके पहुंचते साथ ही शादी की सेलिब्रेशन शुरू हो गई। अच्छा है, निगार तो बहुत खुश होगी ना। मूड ऑफ सा लग रहा था उनका, हाथ पे हाथ रखे बैठी तमाशा देख रही थी। फिर जुनेद को देखते ही मूड बेहतर हो गया। आपको पता है, जावियर अपनी मंगेतर को लेकर डिनर पे गया, उसको शॉपिंग कराई, वहां बैठे सारे उनकी मोहब्बत के किस्से सुना रहे थे। सब खुश थे वहां पे, सब खुश थे सवाए मेरे। साथ ऐसा क्यों होता है? तो सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें भी खुशियां मिलेंगी, तुम्हारे नसीब में भी खुशियां हैं मेरी बेचारे। बस बस चुप चुप, देखो जरा घुमा के, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें भी खुशियां मिलेंगी, तुम भी हंसोगी खेलोगी। हम भी यही समझते थे कि वो तानिया में इंटरेस्टेड है। हाँ ना, मगर अचानक उन्होंने ऐलान फरमा दिया। कहने लगा, नहीं मैं तो उसको सिर्फ अपने दोस्त समझता हूँ। और उधर नायाब में जो उसने अपना इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग शो किया है, हाँ। और जो स्टैंड लिया है, लो भाई सबको सर चुकाना पड़ा। अच्छा ही हुआ है जावियर भाई, उस नचड़ी और एरोगेंट लड़की से शादी कर लेते ना तो अपनी जिंदगी तो बर्बाद करते, साथ साथ हमारी भी कर देते। इधर देखो, अपने बारे में बताओ ना, तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? अरे मैंने क्या प्लान करना है अपने बारे में? मेरी प्लानिंग करने के लिए है ना आपका चश्मो चराग गजनफर, वही बताते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे यहां से भेजने का फैसला भी तो उन्हीं का था, उन्हें लगता था कि बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए बाहर जाना, अकेले रहना, पढ़ना, डिग्री ले लेना, लेकिन मैं भी ढीठ था, सारी पढ़ाई मुकम्मल करके आया और अब जो आ गया हूं ना तो अपनी डार्लिंग को छोड़ के वापस कभी भी नहीं जाऊंगा ना। जियो मेरा बच्चा। लेकिन एक बात तो बताए, कल रात को मैं नोटिस कर रहा था कि सारे खुश हैं लेकिन मॉम और डैड कुछ खुश नजर नहीं आ रहे थे। इज एवरीथिंग ओके? Nothing is okay. You know your mom. जी. Status conscious. पैसा, show off. अरे उधर बिचारी नायाब के पास तो ये सब कुछ था नहीं। सीधी सादी मासूम सी लड़की है, गरीब घर से है, और ऐसे समझो जैसे अल्लाह मियां की गाय। What? Don't tell me दादू कि मॉम और डैड एक मिडिल क्लास लड़की के ऊपर मान गए। I'm telling you. यहां पर भी मेरी किस्मत खराब निकली। 5 साल पहले जब मुझे किसी से मोहब्बत हुई थी, डैड ने मुझे उस बात की सजा दी थी जिसमें मेरा कोई कसूर ही नहीं था कि वो लड़की एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती। 5 साल पहले सिर्फ अपने दिल से ही नहीं बल्कि इस घर से भी निकाल दिया। लेकिन ना तो दम घुटना था मेरा यहां, ऐसा लगता था जैसे जैसे किसी पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है और रोज आकर कहते हैं कि बोलो बोलो, हम अमीर हैं, हम सबसे बड़े हैं, हमारे आगे कोई कुछ नहीं रह सकता था मैं। लकी तो जावियर भाई हमेशा आपको बात मन भाई मैं हर ख्वाहिश पूरी करूं। आज मॉम और डैड को एक
मिडिल क्लास लड़की के लिए उनके घुटनों के बल गिरा दिया। वाह 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 वाह, तुम तो बड़ी कुन्नी निकली। मेरे सामने इनकार करी थी उससे मिलने के लिए, भाई ने जैसे ही इजाजत दी उसके साथ चल पड़ी। चलो खैर है, ये बताओ क्या क्या बातें हुई? कुछ खास बात नहीं हुई भाभी। वो उन्होंने ये हाय दिखाओ।